बस 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 आगे मत जाओ ना, आगे मत जाओ भाई, रुको रुको, मेरी पार्टी है। अरे टिकड़े कुटे, इधर खड़ा कर, इधर खड़ा कर, प्रेसिंग इधर खड़ा कर। डॉक्टर बिटिया, हां ठीक है, आराम, आगे आगे। अरे भाई कौन है ये नीचे, रुके रुके, डॉक्टर बिटिया जी रुके। मैम ये साइड में आ जाइए मैम, यहां 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 पे पीछे से क्लियर कर दो, पीछे से क्लियर। सिक्योरिटी मैडम इधर आ जाइए मैडम। अरे वो लाइट देख रही है मोबाइल, विद्या जी यहाँ। अरे फिर कहीं चार ही बाजू ला घूमेगी, पीछे जा, इधर खड़ा कर। ओके ओके, विद्या जी यहाँ, विद्या जी मैडम समोर, विद्या मैम सामने एकदम, मैम सेंटर में, विद्या जी वन मोर मैम सामने, घंटा लाइट बंद कर दे, थोड़ा इस दरवाजा। ओके थैंक यू मैम, सामने मैम जस्ट और मैम, चलो चलो विद्या मैम, थोड़ा इस दरवाजा। ओके ओके, हमारा भी जा रहा है, इधर इधर। ए मित्र मां बस, तू भी नहीं सब कुछ मैम 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 दे मैम, विद्या जी विद्या मैम सामने एकदम, विद्या जी यहां पे, विद्या जी यहां अरे वही अटक गया, क्या बनता है रवि, अरे आराम से करना भाई, पीछे हो गया ना अभी विजय भाई, पीछे और पीछे और पीछे, पीछे आना सुनील। अरे यार पीछे ले यार, अरे प्लीज करो ना पीछे जाओ यार, सुशीन थोड़ा हटना भाई, ओए स्टाइल में चलो, चलो हमेशा स्टाइल में आना, पीछे पीछे आना भाई, समझ में नहीं आता तेरे को, अरे सॉरी अरे भाई, वो भाई 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 सब सबको ट्रैपोर्ट निकालना पड़ेगा, इतना दूर खड़े रहेगी, शॉट मिल जाएगा अपने घर जाओ। ए भाई तू पीछे आना, इसे सामने कर दे, आने का शॉट मिला, फिर खड़ा कर दिया, देख फोटोग्राफर ने। अरे यार भाई फोटोग्राफर लोग को क्या चाहिए जरा समझाना उन लोग को, पूरा आ जाना, अरे ना जी बिना ट्रे ट्रॉली, बहुत सही भाई, अपने आप कैश ऑफ कर लेना, भाई कोई नहीं चलेगा, कौन सा बंद करने लगना, बात कम कर,
सब जगह पटेल लोग रहने हम लोग नहीं बनते थे कभी 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 नहीं हम रोज बनते पटेल छोड़ दे समझ में नहीं आ रहा बोल रही हिला मत ना अपने फोन कनेक्ट पे डाल लो पहले तो किसी का फोटो डाल रही डाल दो मास्टर मास्टर शेफ का वही है बंद हो गया बैरिकेड के इधर ट्रैपर लगा पीछे लगाने का हाँ जी रेडी
Rolling cam and action. Hey, Baba. अपने थोड़े से पीछे पीछे लेना पीछे लेना भाई दादा पीछे लेना पीछे हो जाओ पीछे लेना सब
तो भाई थोड़ा पीछे ना ये फिर एल सी डी एल सी डी आ रहा है मेरे एंड वाज अ लिटिल या किसी की साजिश का शराब का ओवरडोज था या किसी की साजिश ऑर्डर हो गए ना कितना सेल्फी ले रहे हैं के चक्कर में बहुत रहते हैं फेसबुक पे भाई सब फॉलोअर पांच पांच चलो पीछे तो चलो पीछे 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 चलो ना जूम कर देते अरे पीछे ना जूम करना किधर है डबिंग के लिए जा रहे चलो चलो ऑडियो डबिंग Yes. Hi, Vidya. Really good to see you. Hi, good to see you. मेरा experience रहा और आज you know एक अलग तरह का episode shoot करा गया खास और क्या brief था और किस तरह का episode होगा वो? भैया. You know सावधान इंडिया जो है बहुत popular है life OK का highest TRP show है और I think there was no better show to promote Kahani 2 on क्योंकि कहानी टू में मैं एक वांटेड क्रिमिनल का किरदार निभा रही हूँ क्या मैं वो हूँ जो मैं दिखती हूँ क्या मैं नहीं हूँ वगैरह वगैरह का खुलासा जो है फिल्म में होगा पर इसमें हफ्ते दर हफ्ते किसी ना किसी क्राइम का पर्दाफाश हो रहा है तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक टाई अप है बहुत अच्छा एसोसिएशन है एंड
जिस केस के बारे में मैं इस एपिसोड में बात कर रही हूँ वो तो जब देखेंगे तब पता चलेगा, पर बेसिकली इट्स अबाउट कि एक लड़की जिसको शराब पीने का भी शौक है, उससे उसके ज़िंदगी को ख़तरा है किसी वजह से, एक्चुअली उसकी मौत हो जाती है, तो फिर सब बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये शराब पीती थी और इसी वजह से ये लोगों के साथ इसका घुलना मिलना ठीक नहीं था। और तो इस तरह के जजमेंट्स जो हैं लड़की को लेके, औरत को लेके, उस पर मैं सवाल कर रही हूँ। आई थिंक दैट इज़ व्हाट ब्रिंग्स मी टू सावधान इंडिया। सब कंफ्यूजन में थे और फिर रिलीज होने के बाद कुछ और ही मालूम पड़ता है। हाँ। तो जैसे आप जिस तरह से प्रमोशन चल रहा है फिल्म का, जिस तरह से आप हर जगह हो ना वांटेड क्रिमिनल, ऐसा तो नहीं कि एंड ऑफ द डे जब फिल्म देख के लोग निकले तो आप आईपीएस या आईएएस अधिकारी निकले? ये तो फिल्म देख के ही पता चलेगा आपको। इफ आई टेल यू एनीथिंग नथिंग विल बी अ सरप्राइज, तो मैं कुछ बताऊंगी नहीं। किस चीज से डर लगता है विद्या? चिपकली से और सांप से, इन दो चीज़ों से बहुत डर लगता है। जैसे ये पॉपुलर शो है, बहुत सारे लोग देखते हैं, ऐसा कोई एपिसोड आपने अगर कोई देखा और आप डर गए कि यार ऐसा भी होता है? या नहीं, बहुत सारे ऐसे मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखती, पर कई बार मैंने देखा है, कुछ कुछ देख के घबराहट सी होती है, बिकॉज हमें अंदाज़ा नहीं होता कि लोगों के दिमाग कैसे चलते हैं, लोग क्या सोचते हैं, किस वजह से मजबूर हो जाते हैं कि किसी का वो मर्डर कर दे या किसी पे असॉल्ट करे। और कभी कभी बहुत ट्रस्टेड लोग भी ऐसे करते हैं, तो इट्स आई थिंक हम सब स्पेशली इन बिग सिटीज, एक्चुअली सब जगह इस इनसिक्योरिटी से जूझते हैं। तो आई कॉन्ट थिंक ऑफ एनी वन एपिसोड, पर बहुत सारे मैंने एक एपिसोड सेक्सुअल अब्यूज़ पे देखा था, और एक्चुअली वो मैं पहली बार टीवी पे कुछ देख रही थी ऐसे, तो मुझे लगा कि ओह माय गॉड, इट्स, मुझे नहीं पता था कि टीवी पे ऐसे सब दिखाते हैं, पर इट्स ग्रेट बिकॉज उससे अवेयरनेस बढ़ती है। जो बहुत ऐसे केसेस हैं, सॉरी या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम, जैसे कि आपने कहा कि ट्रस्टेड लोग भी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हम उम्मीद नहीं करते, तो विद्या बीइंग अ वुमन, ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो आप अपने फैंस को बताना चाहेंगे कि यहाँ आपको बच के रहना चाहिए, या इस इन चीज़ों हिदायत कोई अगर आप ये यहाँ बैठ के मैं बहुत कुछ ज्ञान दे सकती हूँ, पर जैसे वो जो मोनिका के साथ हुआ गोवा में, वो परफ्यूमर जो है, वो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके वॉचमैन ने जो किया, इट्स बहुत डरावनी चीज़ है वो। तो आई डोंट थिंक ये चीज़ें प्रीएम्प्ट की जा सकती हैं, पर जितना हो सकता है हम अगर सिक्योरिटी मेजर्स लें, जैसे मैं जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं उनसे कहती रहती हूँ, स्पेशली जब लेट ट्रैवल करते हैं, तो आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके द्वारा यू कैन कीप इन टच विथ 2-3 पीपल जिनको पता होगा कि आप इस वक्त कहाँ हैं, तो वो ऐप यूज़ करें, या पुलिस ने एक ऐप निकाला है तो उस ऐप का फ़ायदा उठाए। आई एम नॉट श्योर वॉट इट्स कॉल्ड, बट वो एक बहुत इफ़ेक्टिव ऐप है, सुना है मैंने। जनरली वॉट इंडिकेटर, वुमेन्स एम इंडिकेटर या वुमेन सेफ्टी एम इंडिकेटर, सो आई थिंक, एंड आसानी से किसी पे विश्वास ना करें, स्पेशली आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, आप किसी को इतने टाइम से देख रहे हैं, आपको आप उन पर विश्वास कर लेते हैं, पर इट्स स्कैरी। इसीलिए मैंने कहा कि जान पहचान के लोग अगर ये करते हैं तो फिर और भी ज़्यादा डर लगता है, योर ट्रस्ट जस्ट गेट्स शेकन। एंड आई थिंक वेमेन शुड डेफिनेटली लर्न सम फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि एटलीस्ट वो प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे कि अगर आप अपने आप को बचा सके तो इट्स ग्रेट। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, आई एम होपिंग एंड प्रेइंग दैट हिलरी क्लिंटन बिकम्स
द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, मैं उनको फॉलो करती हूँ रोज़ बैठ के, उनकी वजह से मैं टीवी देखती हूँ, डिबेट्स देखती हूँ जो, एंड आई रियली थिंक इट्स टाइम वी हैड अ वुमन प्रेसिडेंट इन अमेरिका विच इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज एंड देन दुनिया भर वी शैल टेक ओवर. Yeah. So how difficult or how easy is for an actress to put on weight or lose weight? I think it's for, it's as easy as it is for anyone else, or as difficult. Any tips you would like to share with the fans? No, not at all. Thank you. Thank you. आने वाले कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में, I mean आपका इतना पुराना रिलेशन रहा है कोलकाता के साथ, बहुत सारी फिल्में, so कुछ कोलकाता में. पिछले साल मैं कोलकाता फिल्म फेस्टिवल के ओपनिंग सेरेमनी में थी. बहुत मज़ा आया था. मिस्टर बच्चन, जया जी, शर्मिला जी, मौशमी चैटर्जी सब थे. पर इस साल मैं नहीं जा पा रही हूँ बिकॉज ऑफ प्रमोशंस. और एक्चुअली बहुत, जब मैंने अपना करियर शुरू किया, मैंने एक्चुअली मेरे करियर की पहली फिल्म एक बंगाली फिल्म थी, तो हाँ भालू थे को, तो उस वक्त आई वॉज यू नो इन्वाइटेड देयर, और मैं बैठ के मैंने सारी फिल्में देखी. और वो माहौल, एक फिल्म फेस्टिवल का माहौल ही बहुत अलग होता है, दैट टू कैलकटा में, जहाँ सबको फिल्म का बहुत शौक है और ओपिनियन है और नॉलेज है. तो आई मिस बीइंग देयर दिस ईयर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन. Okay.